चलिए पहला क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री 2019, जहां पे पूछा जा रहा है कि एन अनचार्ज्ड प्रोटीन हैज एन स्पार्टेट इन द पोजीशन ऑफ 23 विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 6510 डाल्टन एज डिटरमाइंड बाय द मास स्पेक्ट्रोमेट्री. इससे ये मास डिटरमाइंड किया गया है. द अनचार्ज्ड म्यूटेंट ऑफ द प्रोटीन, एक अनचार्ज्ड म्यूटेंट ऑफ द प्रोटीन पी कंटेन्स द सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन with the spartate at position 23. The molecular weight of the P is determined by the spectroscopy is. इन्होंने ये बोला कि एक अनचार्ज प्रोटीन है, इसके पास स्पार्टेट है 23 पोजीशन पे, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 6501 डाल्टन. मास स्पेक्ट्रोमेट्री से डिटरमाइन किया गया था. अनचार्ज म्यूटेंट प्रोटीन पी कंटेन अ सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन विद स्पार्टेट एट पोजिशन 23. द मोलिकुलर वेट ऑफ पी डिटरमाइंड बाय. सो ध्यान देना कि स्पार्टेट जो है ये कहाँ पे है. जब हम बात करते हैं तो स्पार्टेट का पोजीशन है 23 पे एंड दिस विल लीड द 6501 डाल्टन. ठीक है, 6510 डाल्टन यहाँ पे चल रहा था. यहाँ पे जो है एक चीज़ ध्यान देने की कोशिश करना कि ये जो है डिफरेंस क्या आ रहा है कि स्पार्टेट और स्पार्टेट दोनों जगह लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है स्पैराजीन होगा. ठीक है, दिस शुड बी स्पैराजीन नॉट स्पार्टेट. दिस शुड बी स्पैराजीन, वरना कोई चेंज ही नहीं होता. तो अगर स्पार्टेट म्यूटेट हो गया स्पैराजीन से, तो नाउ ध्यान देने की कोशिश करिएगा. स्पार्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सी लाइक सी एच सी ओ एच एन एस टू सी एस टू सी ओ एच. जब आप इसके मॉलिकुलर वेट को कंसिडर करेंगे तो मॉलिकुलर वेट में आ जाएगा, अगर बात करते हैं तो दिस इज लाइक, या साइड चेन के ऊपर बात करेंगे तो साइड चेन में क्या, बाकी तो बेसिक सेम है. एस्पार्टेट एंड स्पैराजीन में जो स्ट्रक्चर कॉमन है वो सेम है. अगर आप देखेंगे तो ये सी, और यहाँ से अगर नाउ इफ यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट सी है, देखिए ये जो है ये एच कॉमन, सी एच कॉमन, एन एस टू कॉमन, सी एस टू कॉमन, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमन है. ठीक है, लेकिन ये जो सी ओ एच है यहाँ पे, इसको सी ओ एन एच टू है. इसका मॉलिकुलर वेट जब करेंगे तो सी का 12, ऑक्सीजन का 16:2 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 45. ये जो आएगा ये 45 आ जाएगा. नाउ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सी ओ एन एच टू पे तो एक कार्बन के लिए 12, एक ऑक्सीजन के लिए 16, एक नाइट्रोजन के लिए 4, दो हाइड्रोजन के लिए 2, सॉल्व करेंगे तो सब आ जाएगा 44. मतलब साइड ग्रुप में जो इनके डिफरेंस है, इस एक का 44 है, एक का 45 है. तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अल्टीमेटली कितना वेरी करेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है बाकी चीज़ तो कॉमन है, बस सिंगल अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन है, वो भी स्पार्टेट से स्पैराजीन. इनके मॉलिक्यूलर वेट का जो डिफरेंस है 1 डाल्टन है. तो आफ्टर दिस म्यूटेशन 6510 डाल्टन से जो आंसर आ जाएगा 6500 डाल्टन हो जाएगा. दिस शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बियर लैम्बर्ट लॉ का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं. द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्बेंस, द सोल्यूशन कंटेनिंग NADH इन अ पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिट 340 नैनोमीटर. लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, कितना वेवलेंथ है 340, इसका एब्जॉर्बेंस कितना है 0.31. द मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट एंड ऑफ द NADH इज 6200 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NADH इन द सोल्यूशन इन माइक्रोमोलर इज. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप बात करें तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वेन यू लाइक जब इसको डिस्कस करेंगे आप, तो क्या हो जा रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्बेंस के ऊपर बात की जा रही है कि भैया ये सारी चीज़ें करो. ठीक है, तो दिस आर लाइक कि ये पूरा का पूरा किस्सा क्या हो रहा है कि NADH एंड सोल्यूशंस, ये पूरा का पूरा पूछा जा रहा है कि बियर लैम्बर्ट लॉ अगर आपको याद हो तो, एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में आपने सुना होगा. नहीं सुना है तो हम पढ़ेंगे जब टेक्निक्स डिस्कस करेंगे. तो बियर लैम्बर्ट लॉ में एक आता इक्वेशन एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्साइलन इंटू सी इंटू एल. ये फॉर्मूला कंठस्थ कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है कंठस्थ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा. कंठस्थ करने का मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए. नाउ यहाँ पे जो है सी इज अ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एल इज द लेंथ जनरली सेंटीमीटर,
एम इज द इज द एब्जॉर्बेंस एंड दिस कंसेंट्रेशन इज मोलर एंड दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन कोफिशियंट इज मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. दे आर आस्किंग अबाउट द कंसेंट्रेशन, सो फॉर्मूला विल बी शिफ्टेड एट एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाई एप्साइलन इन टू एल. एब्जॉर्बेंस दे हैव गिवन 0.31, देन इसके बाद एप्साइलन इज 6200 एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर. ये कॉन्सेंट्रेशन विल कम इन द मोलर, बट दे आर आस्किंग फॉर द माइक्रो मोलर, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 10 to power 6. 0.3 × 6200 × 10 to power 6 सॉल्व करेंगे इस चीज़ को तो यू विल गेट 50 micromolar. ये जो हो जाएगा 50 micromolar हो जाएगा. सो दिस इज़ द केस. नाउ यू कैन लाइक जिस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं तो ये सारा का सारा किस्सा आ गया 50 micromolar का. ठीक है जी, चले. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बियर लैम्बर्ट लॉ. एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे देखेंगे हम. सो दे आर आस्किंग अबाउट द मास स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजोइक एसिड विल जनरेट द फ्रैगमेंट एज अ बेस पीक 100% रिलेटिव एबंडेंस ऑफ एम बाई जेड एट द करेक्ट इंटीजर. जब हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड के आयनिक स्पीसीज को जनरेट करना बहुत जरूरी है. दिस इज बेंजीन, दिस इज एसिड. बेंजोइक एसिड पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है ये. बेंजोइक एसिड की अगर देखें C6H5COOH, द मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड व्हेन यू कैलकुलेट 12 × 672, 5 carbon 12, 2 oxygen 32, H is 1, सॉल्व दिस इज 122 यहाँ पे आ जाएगा. नाउ इसके अलावा जो है जब हम इसका आयोनाइजेशन करेंगे, वैन यू डू द आयोनाइजेशन, जब इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो ये जो है यहाँ से निकल लेगा पतली गली से. आयोनाइज कर लिया आपने, जब आयोनाइज किया तो यहाँ से निकलेगा COH, आयोनाइजेशन ऑफ COH. जब निकलेगा यहाँ पे तो 72, ये जो 72 है प्लस 5 बचा रहेगा और 122 − 45, क्योंकि COOH का जो मॉलिकुलर वेट है ये कितना होता है, दैट इसको अगर सम करोगे COH का तो दिस वुड बी 45. ठीक है, सो अल्टीमेटली आपको जो मॉलिकुलर वेट मिलना चाहिए रिलेटिव एबंडेंस में मास टू चार्ज रेशियो, दैट शुड बी अप्रॉक्स 77 आफ्टर द आयोनाइजेशन, क्योंकि बेंजोइक एसिड को आयोनाइज तो करना पड़ेगा ना. बिना आयोनाइज के मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में एम बाई जेड रेशियो कैसे मेजर करोगे, तो 77 शुड बी देयर. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं. एक और क्वेश्चन है, The molecular weight of a protein as determined, the molecular weight of the protein as determined, ठीक है, in the native page is 400 kilodalton. The protein was run on the non-reducing SDS page, gave a band of 200 kilodalton, and on the reducing page gave the band of 100 kilodalton. The protein has, ठीक है, अब the 4 subunits, 2 sets are linked by 2 disulfide 1. जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है. ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, खासकर एसडीएस पेज में प्रोटीन का. ये फॉर्मूला एज इट इज़ नहीं कि ऐसे आपको बुक्स में मिलेगा, मैं इसको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं. क्या होता है कि नॉर्मली जब भी आपके पास बैंड मिलता है तो ये होता है कि देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन जो है नेटिव पेज पे कोई बैंड दे रहा होगा. नेटिव पे जनरली वो टोटल दे रहा होता है, उसके बाद वो SDS पे वो बैंड या फ्रैगमेंट दे रहे होंगे. ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला कि नंबर ऑफ फ्रैगमेंट देखने के लिए कितना है, दैट शुड बी वेरी सिमिलर कि यहां पे जो है क्या हो जाता है कि दिस टोटल कितना साइज है इनटू नंबर ऑफ बैंड इन SDS, नंबर ऑफ बैंड्स कितने हैं SDS में, डिवाइडेड बाय सम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बैंड्स. बैंड्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना है. ठीक है, ये चीज जो है यूज किया जाता है नंबर ऑफ फ्रेगमेंट के लिए. नाउ एक चीज हो जाती है जो कि हेट्रो होमो के लिए पूछा जाता है, तो वो चीज आप लिख सकते हैं. अगर ये बैंड जो है सेम नेचर के हुए, अगर ये बैंड सेम नेचर के हुए तो दैट शुड बी होमोमेरिक. होमो हो जाएगा अगर ये बैंड जो है आपके डिफरेंट नेचर का हुआ, ये बैंड जो है वो डिफरेंट नेचर का हुआ तो ये हो जाएगा हेटरो. ठीक है, हेटरो. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं. ये देखना टोटल इनटू नंबर ऑफ बैंड्स डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ दिस वन.
तो देखिएगा आप यहाँ पे मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन नेटिव पेज से 400 था, 400, ठीक है, 400 था, यही था, दिस इज द 400, यहाँ पे जो है 400 की बात की जा रही है कि ये है भैया 400। SDS पेज पे रन किया तो गिव द बैंड्स ऑफ 200 एंड रिड्यूसिंग SDS पेज गिव द 100, रिड्यूसिंग मतलब बीटा मर्कैप्टोएथेनॉल के साथ। तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ये आपका बैंड मिला, मतलब इसमें कोई डिफरेंट बैंड नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एक मिल रहा है, मतलब ये मिल रहा है आपका सम 100, ठीक है, ये जो है एक बैंड मिल रहा है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने यूनिट आ रहे हैं, टोटल यूनिट आएंगे 4, दिस इज 4 यूनिट, मतलब ये कब प्रोटीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्रामेरिक, टेट्रामेरिक हो जाएगा, और कैसा है, होमो टेट्रामेरिक, होमो है, लेकिन इसमें भी टेट्रामेरिक में बिकॉज नॉन रिड्यूसिंग SDS पेज में 200 मिल रहा है, तो इसके 200 के दो ऐसे होंगे जो कि नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड होंगे, और इसमें 100 ऐसे होंगे जो कि कोवेलेंटली लिंक्ड होंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से विजुलाइज होगा, ऐसे 100 100 100 100। इसमें क्या है कि ये जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोवेलेंटली लिंक्ड है, दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, और यहाँ पे कुछ ऐसे जो नॉर्मली बात की जाए तो दिस इज लाइक कि यहाँ पे क्या होगा, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस हो जाएंगे, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन, ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन बियर एंड लैम्बर्ट लॉ का क्वेश्चन है ये, फिर से they have given that a solution containing GTP, a solution containing GTP has molar extension coefficient, a solution containing GTP has a molar extension coefficient of 1.5 × 10⁴। ये epsilon की value दी हुई है, mole per inverse per decimeter cube per centimeter. Given the wavelength, at the given wavelength, the concentration of GTP in the solution is this mole per decimeter cube. देखिए concentration का unit दोनों का same है तो ज़्यादा worry नहीं करना है. Absorbance of GTP in 1 centimeter cubit of the same length will be very simple formula of the Beer-Lambert, that is absorbance is equal to ECL. यहाँ पे क्या करेंगे, E की value रखिया और उसके बाद ये C की वैल्यू रखा, A की वैल्यू रखा, सॉल्व किया, यू विल गेट 0.195, दैट दिस पर्टिकुलर इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ द, ये इसमें क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था, बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन था, इससे कैंसिल होता 0.1 हो जाता, सॉल्व करते तो वैल्यू ये पूरी की पूरी ये आ जाती। नाउ अगेन एक क्वेश्चन है गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री 2016 का, जेल फिल्ट्रेशन प्रोफाइल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटी डेटा फॉर द प्योर एंजाइम आर शोन इन फिगर बिलो, द सेम एंजाइम सेम ऑन द SDS पेज एज 30 किलो डाल्टन पॉलीपेप्टाइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, इनमें से कौन जो है वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, बोथ मोनोमर एंड डाइमर आर एक्टिव, एंजाइम्स एक्टिव एज अ मोनोमर प्रोटीन समथिंग समथिंग समथिंग। अब इस डायग्राम को देख के आपको बताना है, दिस पर्टिकुलर डायग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कह रहा है, इस डायग्राम को इंटरप्रेट करने के लिए देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए सो देखते हैं इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, जब हम यहाँ पे जूम कर रहे थे, जूम कर लिया है तो देखिएगा 60 किलो डाल्टन, जब एब्जॉर्बेंस एंड एंजाइम एक्टिविटी की बात करें कि व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग, जब ये है एक्टिविटी दिस वन डॉट डॉट एंड दिस सॉलिड इन दिस वन, ये जो है एब्जॉर्बेंस के ऊपर बात की जा रही थी, 60 किलो डाल्टन पे एब्जॉर्बेंस काफी अच्छी है, एब्जॉर्बेंस जो है इट्स गुड, एब्जॉर्बेंस इज गुड, बट एक्टिविटी इज निल, एक्टिविटी जो है निल है यहाँ पे। व्हेन यू सी हियर डायग्राम, आप देखो आपको खुद पता चल जाएगा इस चीज के बारे में, ठीक है। ये इसके बाद जैसे ही वो 30 किलो डाल्टन का हुआ, एक्टिविटी बढ़ गई एंड एब्जॉर्बेंस भी थोड़ा थोड़ा है, अभी भी पूरा मिनिमम नहीं हुआ है, लेकिन एक्टिविटी जो है काफी इंक्रीज हो गई, एक्टिविटी जो है वो काफी इंक्रीज हो गई। सो दिस इज द केस जो कि आपके यहां पे चल सकता है, ठीक है। नाउ
देखिएगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ चल रही थी कि पूरा का पूरा पंगा जो है कि ये सारा का सारा केस जो है इन्वॉल्व हो रहा था। तो आपने क्या देखा कि बोथ मोनोमर एंड डाइमर आर एक्टिव, डाइमर जब था तो एक्टिव नहीं था, निल एक्टिविटी आ रही थी, तो ये तो गलत हो गया। एंजाइम एक्टिव ओनली एज अ मोनोमर, जब मोनोमर है तभी एक्टिव है, डाइमर में एक्टिव नहीं है। प्रोटीन डज नॉट फॉर्म डाइमर, गलत है। देखो डाइमर फॉर्म कर रहा है, एब्जॉर्बेंस भी शो कर रहा है। प्रोटीन इज एक्टिव ओनली एज अ डाइमर, गलत है। 60 किलो डाल्टन इज अ डाइमर, नो एक्टिविटी, एंड 30 किलो डाइमर इज अ मोनोमर एंड दैट शोज द एक्टिविटी। ठीक है, तो यदि इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। अगेन वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम फ्रॉम द बीयर लैम्बर्ट लॉ, ये है आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रॉब्लम, स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्रॉब्लम। जब हम बात करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, द एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन ट्रिप्टोफैन मेजर एट 280 नैनोमीटर, दैट क्यूबिट लेंथ इज 2 सेंटीमीटर हियर, दैट एब्जॉर्बेंस इज 0.56, द मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट फॉर ट्रिप्टोफैन इज 5600 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, द कंसेंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, अगेन द सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेंट्रेशन विद द सेम लाइक वैल्यू, लाइक ऑलमोस्ट वही चीज है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो यू हैव टू नो दैट गिवन क्या क्या दिया हुआ है। एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है, दे हैव गिवन 0.56, लेंथ दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, एंड एक्सटेंशन कोफिशियंट दिया हुआ है 5600 एंड जो यूनिट है वो ऑलमोस्ट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो चेंज नहीं करना, मोलर में यूनिट है ये, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना और बाकी चीजें तो ठीक है। वैल्यू पुट करो, एब्जॉर्बेंस 0.6, क्योंकि पूछा कि इसमें इन्होंने माइक्रोमोलर में बताना था, अगर माइक्रोमोलर में बताना है तो यू कैन गो अगेन द वैल्यू 0.56 × 10^6, 5600 × 2, दिस वुड बी 50 मिलीमोलर, ये 50 मिलीमोलर ही आया, ऑलमोस्ट उतनी ही वैल्यू जो यहाँ पे पूछी गई थी। लेट मी टेल यू, यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी वही था ऑलमोस्ट, और ये 50 मिलीमोलर है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही था, बस वैल्यू चेंज किया उन्होंने। ठीक है, कॉन्सेप्ट और चीजें सब कुछ वैसी ही रही। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम क्रोमैटोग्राफी, ये जो है ये क्रोमैटोग्राफी से क्वेश्चन है। क्रोमैटोग्राफी में जब भी हम क्या करते हैं कि लर्न कर रहे होते हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पेपर टीएलसी में तो इस तरीके से होता है, माइग्रेंट मूव कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें मूव कर रही होती हैं, तो इसी में हम देखते हैं कि कौन कितना मूव किया है, सॉल्यूट कितना मूव किया है और सॉल्वेंट कितना मूव किया है। तो इस तरीके से देखते हैं कि मेरा सॉल्यूट यहाँ पे है, दिस इज लाइक सॉल्यूट एंड दिस इज द सॉल्वेंट, ये हमें बताता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें जानी चाहिए। कितना एक्स है मान लो, ये मान लो एक्स है और सॉल्वेंट जो है वो है वाई, तो रिलेटिव जो आपके यहाँ पे पाया जाता है वो सॉल्वेंट अपॉन दिस वन, कंपाउंड अपॉन सॉल्वेंट के बात की जाती है कि सॉल्यूट कितना मूव किया है, कितना सॉल्वेंट मूव किया है। तो वही चीज़ है, देखिएगा, अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सिलिका जेल प्लेट पे कंपाउंड शोड द माइग्रेशन, कंपाउंड जो है वो कंपाउंड कितना माइग्रेट किया है 12.5 सेंटीमीटर एंड सॉल्वेंट फ्रंट 18 सेंटीमीटर, द रिटेन आर एफ इज लाइक, यहाँ पे जो है रिटेंशन फैक्टर के ऊपर बात की जा रही है। तो माइग्रेशन ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट 12.5 डिवाइडेड बाई 18, दैट इज 0.694। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। सिमिलरली अगेन बीयर लैम्बर्ट लॉ, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या करोगे, लर्न तो करना पड़ेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो कभी भी आप छोड़ ही नहीं सकते, खासकर बीयर लैम्बर्ट लॉ के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। द कंसेंट्रेशन ऑफ NADH इन सॉल्यूशन ऑफ एब्जॉर्बेंस 0.1, दिस देर इज अ नो लेंथ, अगर कभी भी आपको लेंथ ना दिया हो, अगर कभी भी आपके पास लेंथ ना दिया हो तो वॉट विल यू कंसिडर, आप कंसीडर क्या करेंगे, लेंथ कंसीडर करेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज अ डिफॉल्ट केस, ये जो है ये आपका डिफॉल्ट केस है, हमेशा अगर कुछ ना दिया हो तो ये यूज़ करेंगे। बाकी चीज़ आ गई, एब्जॉर्बेंस 0.5 × 10^6, 6220 इज लाइक, यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन पूछा है, इसमें वैल्यू दी हुई थी एक्सटेंशन कोफिशियंट की 6220, अगेन वही चीज़ है, रखा इसने, सॉल्व किया, ऑलमोस्ट 80 माइक्रोमोलर जो है सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। दिस पर्टिकुलर अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपी बीयर एंड लैम्बर्ट लॉ, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन में पूछा है, अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन है, देखिएगा।
तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल, अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हैं। द मोलर एक्सटेंशन कोफिशेंट ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, दो स्पीसीज आ गए यहाँ पे एब्जॉर्व करने वाले, बाकी जो है वो सब ठीक था, बाकी कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ पे टोटल एक्सटेंशन कोफिशियन की बात की जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन टायरोसिन का, ट्रिप्टोफैन का 5690 है वैल्यू एंड टायरोसिन का 51280। द पॉलीपेप्टाइड चेन ईस्ट एल्कोहल डिहाइड्रेजिनेज कंटेंट 37 किलो डाल्टन, जिसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। ये यूज़ है कि इसके पास 5 ट्रिप्टोफैन एंड 14 टायरोसिन रेजिड्यूज़ है। द एब्जॉर्बेंस एट द 280 नैनोमीटर इज 0.3 mg पर लीटर सोल्यूशन ऑफ द ईस्ट हाइड्रो, लाइक एब्जॉर्बेंस बताना है आपके इतना 280 नैनोमीटर पे। नॉर्मली ये चीज़ हो रही थी कि क्या करना है कि सोल्यूशन ऑफ द ईस्ट एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज मेजर्ड इन द क्यूबिट ऑफ 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ, लेंथ दे दिया। एज्यूम दैट मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रिप्टोफैन टायरोसिन अप्लाई टू दीज अमीनो एसिड इन एल्कोहल, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये अप्लाई होंगे यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, आपको एब्जॉर्बेंस बताना है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिस वन, ये है लेंथ, ये है एक्सटेंशन कोफिशियंट। तो एक्सटेंशन कोफिशियंट पहले टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है कि दैट इस पर्टिकुलर की चीज़ें जब भी ऐसे आती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन कोफिशियंट टोटल निकालना पड़ेगा। दिस इज टोटल का मतलब है नंबर ऑफ रेजिड्यू इन टू एप्साइलन वन, नंबर वन एप्साइलन वन इज इक्वल टू नंबर टू इन टू एप्साइलन टू, इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे दो स्पीसीज है तो दो रखेंगे। नंबर एक का क्या था, एक का था 5 ट्रिप्टोफैन का, इसका एक्सटेंशन कोफिशियंट था 5690 प्लस टायरोसिन का नंबर था 14 और उसका एक्सटेंशन कोफिशियंट था 1280। तो ये वैल्यू है एप्साइलन टोटल। नाउ अब कॉन्सेंट्रेशन को आप मोलर में निकालेंगे क्योंकि mg पर लीटर में दिया है उन्होंने, mg पर लीटर में दिया हुआ है। तो मॉलिकुलर वेट जो इसका रोल अब आएगा, why this is given, इसका रोल आएगा यहाँ पे क्योंकि mg पर लीटर है, तो इससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट वॉल्यूम इंटू लीटर, ये है आपका 0.3, 37 इंटू 10^3 इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। सो आपने क्या किया कि इसको सॉल्व किया, ये है किलो डाल्टन, किलो डाल्टन एम जी पर एम एल में, यानी ऊपर अगर बोला जाए एम जी पर एम एल। देखिएगा मैं क्यों 0.3 रखा हूँ, वी कैन सिंपली से दैट कि अगर कोई भी चीज़ 0.3 एम जी पर एम एल है तो यही 0.3 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर 10^3 नीचे 10^3 मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यही हो गया इतना ग्राम इन वन लीटर, तो इतने ग्राम को उसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो, लीटर की वैल्यू वन थी ही थी, सॉल्व करोगे तो मोलरिटी आ जाएगा, ये मोलरिटी की वैल्यू है 0.8 इंटू 10^-5, ये वैल्यू हो गई एप्साइलन टोटल की। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्साइलन टोटल सी इन मोलर एंड लेंथ इन सेंटीमीटर, ये है एब्जॉर्बेंस का टोटल वैल्यू, ये है कंसेंट्रेशन का मोलर वैल्यू और ये है 1 सेंटीमीटर। व्हेन यू सॉल्व इट दिस वैल्यू विल बी मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सॉल्व करेंगे तो ऑल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.37, ठीक है, ये चीज़ जो है आ जाने वाली। सो दिस इज द केस दैट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजली। अगेन उसी तरीके के क्वेश्चन जो है वहाँ पर भी आते रहते हैं, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन देखिएगा, द एक्टिविटी ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, द एक्टिविटी ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस कैन बी मेजर्ड बाय मॉनिटरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की एक्टिविटी इस तरीके से मेजर की जा रही है, पायरुवेट से NADH, इसके साथ ये जो है लैक्टेट और NAD प्लस बना रहा है। द मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट ऑफ NADH इज 6220 मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। NAD प्लस डज नॉट एब्जॉर्ब एट दिस वेवलेंथ, NAD प्लस एब्जॉर्ब नहीं करता। इन द ए से 20 माइक्रोलीटर ऑफ अ सैम्पल ऑफ एंजाइम कंटेंस 5 माइक्रोग्राम ऑफ प्रोटीन पर ml वॉज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ पायरुवेट एंड NADH टू गिव अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 ml इन अ क्यूबिट ऑफ 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ। द रेट ऑफ डिक्रीज इन एब्जॉर्बेंस एट द 340 नैनोमीटर इज 0.14 पर मिनट। द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल बी माइक्रोमोल पर मिनट पर mg।
ठीक है। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिन्होंने एब्जॉर्बेंस को भी मिक्स किया है, जिन्होंने पूछा है और पूछा है स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो दिस इज़ वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन, जब हम देखेंगे कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट भी घुसाया है, इस तरीके की चीज़ें करवाए हैं, तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिलेगा कि वॉट यू हैव टू डू। क्वेश्चन में जो पूछा है माइक्रोमोल पर मिनट, मतलब ये एक्टिविटी है पर एम जी की बात की जा रही है, ये माइक्रोमोल पर मिनट एक्टिविटी पर एम जी, यानी कि जब इस केस में जब हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा पहले आप क्या करेंगे कि माइक्रोमोल या कंसंट्रेशन के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर बात करते हैं। कंसंट्रेशन निकलेगा 5 माइक्रोग्राम पर ml है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस। देखिएगा सैम्पल वॉल्यूम इज 25 माइक्रोलीटर, या वी कैन से दैट 25 × 10⁻³ ml। कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोटीन दैट 5 माइक्रोलीटर जो था, कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोटीन 5 माइक्रोग्राम पर ml था, ठीक है, 5 माइक्रोग्राम पर ml। तो वी कैन से दैट 5 × 10³ mg पर ml, 5 माइक्रोग्राम पर ml था, तो इतना mg पर ml हो जाएगा। सो दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द C एब्जॉर्प्शन अपॉन एप्सिलॉन AL 0.1462 × 1 मोल पर लीटर पर मिनट, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद पूरी वैल्यू जो आएगी आपके पास इस तरीके की वैल्यू आ गई, दिस इज द सी। देख ये इसको आपने क्या किया कि ये वैल्यूज चल रही थी, हमने 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वैल्यू हो गया माइक्रोमोल पर ml पर मिनट। ये माइक्रोमोल पर ml पर मिनट क्यों, क्योंकि ये वैल्यू एब्जॉर्बेंस की वैल्यू मिनट में थी। इस चीज़ को ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि c की वैल्यू अगर हम बोलें तो c की वैल्यू जो हो जाएगा एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू l। हम मोलर को हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर लिखा जा सकता है। तो ये देखिए ये क्या बेसिकली क्या है, एप्सिलॉन जो है ये क्या है, ये मोलर है, ऊपर जाके मोलर इन्वर्स होता है, सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। तो यूनिट के हिसाब से अब इसको देखिएगा कि इस यूनिट के हिसाब से ये एब्जॉर्बेंस जो है ये पर मिनट नीचे आ जाएगा, इसका जो मोलर इन्वर्स है और ये सेंटीमीटर है, मोलर इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा मोलर पर मिनट। अब मोलर पर मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, मोलर पर मिनट को माइक्रोमोल में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोमोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, माइक्रोमोल पर ml पर मिनट, ये चीज़ को हम किया जा सकता है मोल पर लीटर या माइक्रोमोल पर मिनट। ये हमने सॉल्व किया यहाँ पे, नीचे एम लीटर को हमने लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर माइक्रो में कन्वर्ट कर दिया। तो इस यूनिट में कन्वर्जन का खेल है, मोल पर लीटर को मोलरिटी बोलते हैं, पर मिनट बोलते हैं। मोल पर लीटर को हमने ऊपर माइक्रो कन्वर्ट करने के लिए ये किया, और यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई किया ml को लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है यूनिट कन्वर्जन किया आपने इस चीज के लिए, जब आपने इसको क्या किया लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया, और यहां पे क्या किया कि इसको हमने क्या किया कि मोल को किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल को माइक्रोमोल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फाइन। तो अब यूनिट आ जाएगा माइक्रोमोल पर ml पर मिनट, द वैल्यू शुड बी लाइक दिस वन, ठीक है, ये आ गई। अब एक्टिविटी क्या होता है, माइक्रोमोल ऑफ द सब्सट्रेट पर मिनट, इसमें क्या है कि वॉल्यूम को कैंसिल आउट करने के लिए टोटल वॉल्यूम कितना था और सैंपल वॉल्यूम, अगर कभी कभी वॉल्यूम दे दिया हो तो एक्टिविटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाता है। आप पढ़ते हैं माइक्रोमोल पर मिनट, ये तो होता ही हो, अगर वॉल्यूम का पंगा है तो दिस इज टोटल ऊपर और नीचे जो है वो सैंपल वॉल्यूम है, ठीक है, ये चीज़ है। तो एग्जैक्टली टोटल वॉल्यूम, और इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिएगा कि ये वैल्यूज तो था ही था 0.2 ये एंड ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि टोटल वॉल्यूम, ठीक है, जो यहाँ पे देखिएगा कि टोटल वॉल्यूम जो है वो है 3 ml एंड सैम्पल वॉल्यूम जो है 25 माइक्रोलीटर था, ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो है वो 3 ml था। दैट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रोमोल पर मिनट वाला जो ये किस्सा था इसको रखा आपने, रखने के बाद ये सारा का सारा केस रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो दिस इज़ लाइक ये 25 माइक्रोलीटर था, 25 माइक्रोलीटर है तो उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि दूसरा वाला 3 ml है। देखो ये है 25 माइक्रोलीटर, ये 3 ml है, तो वॉट लाइक जब इसको रखोगे तो टोटल है 3 ml और नीचे रखोगे 25 × 10⁻³ ml, ये आएगा,
माइक्रोलीटर से सॉल्व करोगे इसका पर्टिकुलर केस को, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी डेट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, इस वैल्यू को सॉल्व करो। यहाँ पे जो है 10^3 इस तरीके से सॉल्व करने के बाद आपको ऑलमोस्ट क्या मिलने वाला है कि यहाँ पे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन को रखा इसमें एम जी में, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये जो इतने एम एल था तो आपने क्या रखा कि इतना एम जी 5 × 10^3, ये है प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन। ये वैल्यू यहाँ पे आपने देखी ही थी, ये वैल्यू यहाँ पे थी। अब इसके बाद जब आपने रखा इस वैल्यू को पुट किया सो यू विल गेट नियर अबाउट 540 माइक्रोमोल पर मिनट पर एम जी। ये जो है आपके साथ बाकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो होप यू गाइस कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड वेद20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।